गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्लास 3. आई विश यू ऑल आर डूइंग वेल, एंजॉयिंग गुड हेल्थ एंड लर्निंग एट होम्स. आई एम योर सोशल स्टडीज टीचर अरुज यूनस. एज यू ऑल नो, इन आर प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी स्टार्टेड द लेसन अब्दुल स्तार ईदी साहब के बारे में हमने पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि एक बहुत इम्पोर्टेंट और हमारे लिए रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी थी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने अपनी बहुत सारी फाउंडेशंस जो थी वो ओपन की पाकिस्तान में. सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली भी उन्होंने बहुत सारी अपनी फाउंडेशंस जो थी वो ओपन की. उनके जो ईदी होम थे उनको अपना घर भी कहा जाता है, और उन्होंने पाकिस्तान के जो ऑर्फन्स थे और ऑर्फन्स इसके अलावा एल्डर वुमेन मैन और सबके लिए, यानी कि उन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं या जिनके घर वाले उनको घर में रखते नहीं या बीमार लोग, उन्होंने ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जैसा उनको घर में इन्वायरमेंट मिलता है. और उन्होंने बहुत हेल्प की नीडी लोगों की. टुडे वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग ऑफ रिमेनिंग चैप्टर, रिमेनिंग लेसन, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट अब्दुल स्तार ईदी. So take out your SST books and start reading. The Eidi Foundation runs the largest volunteer ambulance services in the world. आपको पता है कि अपना घर के अलावा, foundations के अलावा, इनकी जो एक और contribution थी पाकिस्तान के लिए वो उनकी ambulance है. अक्सर आपने रास्ते में गुजरते हुए भी देखी होंगी, TV में भी देखा होगा, Eidi ambulances जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में उनकी एम्बुलेंस वर्क करती हैं. एम्बुलेंस क्या होती है? किसी पेशेंट को लेके जाना, घर से पिक करना, ड्रॉप करना. और हम मज़ीद इसके बारे में पढ़ेंगे कि ही वाज़ अ फर्स्ट पर्सन इन पाकिस्तान टू इंट्रोड्यूस एयर एम्बुलेंसेस टू रेस्क्यू द वांटेड एंड द सिक फ्रॉम रिमोट एरियाज़. अब इसके अलावा उन्होंने एम्बुलेंस तो ईजाद की, इसके अलावा उन्होंने एयर एम्बुलेंस ईजाद की. एयर एम्बुलेंस क्या है कि हेलीकॉप्टर्स के थ्रू ऐसे लोगों को रेस्क्यू करना उन एरिया से जहाँ पे गाड़ी का पहुँचना बहुत मुश्किल होता है. और ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने पाकिस्तान में एयर एम्बुलेंस को इंट्रोड्यूस कराया. What is specially remarkable is that he ran his huge organization without a single paisa in aid from the government. और सबसे special बात क्या है कि उन्होंने हुकूमत से कभी कोई पैसा नहीं लिया. उन्होंने हुकूमत की मदद के बिना ये अपने जो foundations थी उनको चलाया, और बड़े अच्छे तरीके से चलाया. उनके आगे जो generation है, उनके उनकी औलाद है, उनके बच्चे हैं, वो उसको run कर रहे हैं, क्योंकि ईदी साहब की death हो चुकी हुई है. The entire setup is funded by generous private individuals throughout the country. अब आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं और हेल्प करते भी हैं. उन्होंने ईदी साहब की बहुत हेल्प की, उनको फ़ंड दिया ताकि वो अपनी फाउंडेशन, अपनी एम्बुलेंसेज बहुत अच्छे से रन कर सकें. आप ये पिक्चर में देख भी सकते हैं ईदी एम्बुलेंस, और वो अपना जो काम है उसको अच्छे से चला सकें, और पाकिस्तान में जो नीडी लोग हैं, नीडी पीपल हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी अच्छे से हेल्प हो सके. आपको पता है कि एक दूसरे की हेल्प करना कितनी अच्छी बात है, ये बहुत गुड हैबिट है. बिकॉज ऑफ हिज वर्क अब्दुल स्तार ईदी ऑक्यूपाइज अ प्लेस इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड. आपको पता है जो बुक है जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंटर किए जाते हैं, ईदी साहब का नाम उसमें एंटर है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत प्राउड की बात है, बहुत फ़ख्र की बात है. For having the largest number of ambulances in the world, आपको पता है कि उनकी जो ambulances की तादाद है, number है, वो बहुत ज़्यादा है, वो गिनती में बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है. And also as a person who worked non-stop for the greatest number of hours, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत काम किया पाकिस्तान के लोगों के लिए. This down-to-earth, humble soul was one of the most selfless, generous and honorable human being in the world. वो बहुत ही डाउन टू अर्थ, यानी कि बहुत सादा से इंसान थे, बहुत अच्छे और प्यार करने वाले, अच्छे मिजाज के लोगों से, अच्छे अखलाक से बात करने वाले, लोगों पे जान मारने वाले, लोगों पे अपने पैसे खर्च करने वाले, लोगों की मदद करने वाले इंसान थे वो.
ही पास्ड अवे ऑन 8th जुलाई 2016। उनकी डेथ कब हुई? उनकी डेथ 2016 में हुई, 8 जुलाई को। वी आर ऑल एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिम एंड द वर्क ही डिड। अभी भी उनको याद किया जाता है जब भी उनकी डेथ एनिवर्सरी आई है, जब उनके काम को याद किया जाता है और इस बात को सराहा जाता है, इस बात को अप्रिशिएट किया जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया, उन लोगों के लिए काम किया जो पाकिस्तान में सर्वाइव करना जिनके लिए मुश्किल हो गया था, उनके पास पैसे नहीं थे रहने को, घर नहीं था, उन लोगों के लिए काम किया गया बहुत ज़्यादा। सो माई डियर स्टूडेंट, इट इज़ योर होम टास्क टू डू द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर एंड लर्न इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम इट। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डू इट्स क्वेश्चन आंसर्स ऑब्जेक्टिव एक्सेट्रा। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।